हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट नंबर 5। आज मैं जिस ऑथर और उनकी बुक्स का डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप PCS देने जाएं, SSC, CGL, बैंकिंग, RRB, NTPC या कोई भी सरकारी नौकरी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज़ एंड तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार, SSC एरिना में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम जिस राइटर के बारे में जानेंगे, इनका नाम है सलमान रुश्दी और आपने इनका नाम 110% जरूर सुना होगा। मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस, सैटनिक वर्सेस, मूर्ज लास्ट साई, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी जिसको आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिला होगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सलमान रुश्दी के रिलेटेड बुक्स। मैं टॉप 10 बुक्स इनकी कवर करूंगा जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं बार बार, या फिर आगे जो रिपीट करके आपको पूछे जाएंगे। साथ ही में मैं आपको याद भी करवाता जाऊँगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक जब वीडियो देखें तो उसके सामने एक कॉमेंट ज़रूर करें। 1 video = 1 comment, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ कैसे जा रहे हैं। रिव्यू दीजिए मुझे, ताकि मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा अच्छा बना करके अपने चैनल को प्रमोट कर सकूं। आपको मेरी इतनी सी हेल्प करनी होगी। तो देखते हैं सलमान रुश्दी के बारे में। इनका पूरा नाम है सर अहमद सलमान रुश्दी। इनका जन्म हुआ था 19 जून 1947, देश की आज़ादी से ठीक एक महीने पहले, ठीक है। और ये वैसे ब्रिटिश इंडियन नोवेलिस्ट हैं। इनका जन्म बेशक इंडिया में हुआ था, लेकिन उसके बाद में ये ब्रिटिश, एक तरीके से ब्रिटिश नागरिक बन गए थे। और इनकी जो बुक है, सेकंड नोवेल आई थी मिडनाइट चिल्ड्रन, इसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि 1981 में आई थी। और इनके लिए सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज़ 1981 में दिया गया था। तो अगर आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जाए कि सलमान रुश्दी को किस सन में मिला था बुकर्स प्राइज़, तो आपका आंसर हो जाएगा 1981, और अगर नोवेल का नाम पूछता है तो मिडनाइट चिल्ड्रन। और मैं आपको बताता हूँ कि जो सलमान रुश्दी हैं, इनकी ज़्यादातर बुक्स फिक्शनल हैं, जो कि काल्पनिक होती हैं और एंटरटेनिंग पर्पस से स्पेशली बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, और बड़ों के लिए भी होती हैं, लेकिन वो खास करके सारी की सारी फिक्शनल होती हैं, ठीक है। यहाँ जो आप एक बुक का नाम देख रहे हैं, ये ग्रिमस सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई बिल्कुल पहली नोवेल थी, जो 1975 में लिखी गई थी। दूसरी नोवेल का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि 1981 में लिखी गई थी, जिसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये फर्स्ट नोवेल है ग्रिमस। इसमें क्या होता है, एक चील होती है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती है, लेकिन एक दिन जादुई पानी पीने से उसको अमर हो जाती है ये चील। तो इसी पर बेस्ड ये स्टोरी है, ये भी फिक्शनल है, ठीक है, एंटरटेनिंग के पर्पस से लिखी गई बुक है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि इनकी सेकंड बुक थी और ये 1981 में पब्लिश हुई थी। और इसमें क्या है कि ये एक तरीके से जब देश आज़ाद हुआ था ना हमारा, उससे पहले जब ब्रिटिश रहते राज करते थे, फिर उसके बाद इंडिया में जब आज़ादी हुई, कॉलोनिज्म पे इन्होंने इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ 1981 में मिला था। अगला है गोल्डन हाउस। देखिए, गोल्डन हाउस जब आप लोग बुक देखेंगे तो याद रखिएगा ये सलमान रुश्दी की बुक है। कैसे याद करेंगे, हाउस से बात की जा रही है, तो इसमें जब ये रहते थे मुंबई और न्यूयॉर्क दोनों में, जो इनके घर के बारे में वर्णन किया गया है सलमान रुश्दी के, तो उस बुक का नाम है गोल्डन हाउस। ये नई बुक है जो कि 2017 में ही आई थी, तो इससे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। अगली बुक है द सैटनिक वर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बुक पूछी गई है। मैं आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। द सैटनिक वर्सेस, वर्सेस का मतलब होता है ना छंद, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो द सैटनिक वर्सेस है, ये मोहम्मद जी की लाइफ पर लिखी गई बुक है। उनके कई सारे वर्णन को लिया गया है इस बुक में। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम वर्ग हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे इनसे। अराउंड द वर्ल्ड इनको काफ़ी ज़्यादा फतवा जारी किया गया इनके नाम पर, बहुत लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ और इनको डेथ थ्रेट्स, जान से मारने की धमकी भी आई थी। इसीलिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब आप सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर में सलमान रुश्दी की बुक, तो आपको कई जगह द सैटनिक वर्सेस के बारे में मिलेगा। अगला है मूर लास्ट नाइट। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, मूर लास्ट साई, माफ़ कीजिएगा, मूर लास्ट साई। देखिए
ये एक फिक्शनल मूवी है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। जो मूर होता है ये एक कैरेक्टर का नाम है जिसकी लाइफ, जैसे हम सब की जो एज बढ़ती जाती है जिस रेशो से बढ़ती है, इसमें जो कैरेक्टर होता है उसकी एज दुगने रफ्तार से बढ़ती है और उसकी लाइफ में होने वाली घटना काल्पनिक है। तो आप मूर नाम से याद रखिएगा कि ये तो काल्पनिक है क्योंकि मूर की जो एज है वो डबल तेज़ी से बढ़ती थी। अब जैसे ही आप काल्पनिक शब्द देखेंगे आपको पता चलेगा कि जो सलमान रुश्दी है ये काल्पनिक बुक्स बहुत ज़्यादा लिखते हैं। आप ऑप्शन में देखेंगे, हो सकता है आपको याद आ जाए, तो आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगली बुक है शेम। अब शेम नाम से ही आपको पता चल रहा है शेम, तो इसमें भी यही एक तरीके से था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो कॉलोनिज्म जो था इसके ऊपर पब्लिक किस तरीके से रहती थी, किस तरीके से वो पॉलिटिक में एक तरीके से गंदा पॉलिटिक्स खेलती थी, और पाकिस्तान जो कि पहला मुल्क था जो मुस्लिम मुल्क के नाम मुस्लिम धर्म के ऊपर देश बना था, तो इसमें भी इनको मेंशन किया गया था, तो इसी के ऊपर बेस्ड है ये बुक शेम। इसके बाद है ईस्ट वेस्ट। देखिए ईस्ट वेस्ट में क्या है, मैंने अभी आपको बताया न्यू जैसे इनका गोल्डन हाउस था न्यूयॉर्क और मुंबई में जो घर था उस पर बेस्ड था, वैसे ही वेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, अमेरिकन कंट्री मतलब पश्चिमी देश, और ईस्ट का मतलब हो जाता है पूर्वी देश। तो न्यूयॉर्क और मुंबई की जो इनकी लाइफ है इसमें ये वर्णन किया गया है। तो ये बुक आपको दो टाइटल से मिलेगा, एक टाइटल होता है ईस्ट वेस्ट और एक होता है ईस्ट वेस्ट एंड ईस्ट वेस्ट। तो ऐसे करके भी आपको अगर बुक का नाम लिखा हो तो याद रखिएगा सलमान रुश्दी। अगली बुक है 2 Years 8 Months 28 Nights, लगभग ये 1001 दिन बनते हैं इसी के आसपास। तो इसी जो ये बुक है 2 Years 8 Months, इसमें एक तरीके से एक ये भी फिक्शनल है, इसमें एक व्यक्ति की लाइफ को वर्णन किया गया है, ठीक है आप इसे याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है कीशोट। कीशोट इसको कीशोट प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या होता है कि एक राइटर होता है जो कि अपनी जो स्पाय जासूसों के ऊपर कई सारी बुक्स लिखता है लेकिन वो सारी की सारी अल्टीमेटली फेल हो जाती हैं। तो ये लाइफ में सोच रहा होता है काश कि मैं, ये भी फिक्शनल है, कि मैं कोई ऐसी बुक लिखूं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। तो एक बॉलीवुड के सितारे हैं जो कि न्यूयॉर्क में जाते हैं कुछ प्रोग्राम होस्ट करने के लिए, तो ये बस किसी तरीके से उनके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं अपना, तो इसी के ऊपर बेस्ड ये बुक है की शॉट। ये अभी रिसेंटली 2019 में अगस्त में लॉन्च की गई थी। तो देखिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2020 के कोई एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये पूछा जाए, क्योंकि ये अगस्त 2019 में ही लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट जो दो बुक है आप इसको इंटरकनेक्ट करके याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए इस बुक का नाम है द एनचेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस और द विजार्ड ऑफ OZBFI फिल्म क्लासिक्स, ठीक है। तो यहाँ भी जादूगर की बात हो रही है, और एनचेंट्रेंस का क्या मतलब होता है, एनचेंट्रेंस का मतलब होता है जो आपको बहुत जल्दी मंत्रमुग्ध कर ले, ठीक है। तो ये बुक तो छोटे बच्चों के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जादू की छड़ी जो होती है परियां पकड़ती थी हाथ में, तो ये बच्चों की कैसे बच्चों के लिए एक तरीके से फैंसीफुल बुक है, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन द एंचेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए फ्लोरेंस जो है इटली में एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है फ्लोरेंस इटली में। तो वहाँ से एक व्यक्ति भारत में आता है अकबर के दरबार में, कहाँ पे आता है अकबर के दरबार में, और वो क्लेम करता है कि इंडिया में एक प्रिंसेस रहती थी जो अकबर के रिलेटिव्स में थी और उन्हीं का वो संतान है, इस हिसाब से वो अकबर का रिलेटिव है। तो इस पर ये बेस्ड बुक है, ये भी एक तरीके से पूरी फिक्शनल है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नाम भी याद रखिए, या तो आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं या फिर आप सिंपली नोट्स बना लें, आपको एक साथ मिल जाएंगे सारे राइटर्स के बुक्स जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले 4 मैंने जो बुक्स के सीरीज वीडियो डाले थे उसमें आपका सलमान रुश्दी के अलावा RK नारायण, रस्किन बॉन्ड, इसके अलावा अरुंधति रॉय, शशि थरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने उनके कवर किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप एक जगह नोट्स बना लेंगे तो आपको बार बार रटने के लिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने शशि थरूर का भी वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि कौन से दो महारत्न कंपनी है जिनको नया महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, क्योंकि 2020 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइलर प्राइज 2020 देखिए जाके, और अगर आप लोग फ्रेजल वर्ब SP बख्शी का कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देखिए, मैं इसमें काफ़ी सारे वीडियोस फ्रेजल वर्ब के डाल चुका हूं और इसे कंप्लीट भी करूंगा। तो ये हमारा
एंड था इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।